हेलो एवरीवन, हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज है 24th ऑफ मार्च 2021। आपकी प्यारी सी और एक आपका जो रोज ही साथ देती है किसी न किसी सब्जेक्ट में, करंट अफेयर, कंप्यूटर, जनरल स्टडीज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाती हूँ। तो आपकी ट्रेनर, आपकी दोस्त, इट्स मी बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या क्या, मिडिवल इंडिया। क्या पढ़ेंगे? मिडिवल इंडिया। तो दोस्तों, अपने बेनिफिट के लिए दो काम करें। एक, नए लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अभी तक जो कंटेंट बना है उनको मिले, और जो बेल आइकन को भी हिट कर लेंगे उनको आने वाला कंटेंट जो रोज बनता है वो भी मिलता रहेगा। कंटेंट बहुत क्वालिटेटिव होता है और हमेशा इतना ही क्वालिटेटिव आपको मिलेगा, मतलब डिलीवरी विद क्वालिटी होगी, ठीक है? तो जो तो भी हमारी कंटेंट डिलीवरी होगी वो बहुत सुपर होगी आपके लिए, याद रखिएगा। अच्छा, अगर मेरी मेहनत और मेरी जो भी आप लोगों के लिए हेल्प है, अगर वो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। देखिए, पिछली बार हमने बात की थी मिडिवल इंडिया में रजिया सुल्तान तक बात की थी ना, बताया था आपको कि कैथल के युद्ध में हार भी गई थी, बताया था, सारी बातें बताई थी, कैसे मृत्यु हुई रजिया सुल्तान की, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना? मतलब युद्ध भी हारी थी एक, बताया, और कहाँ, कैथल में कैसे मृत्यु हुई वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? जब वो वापस आ रही थी शादी के बाद, रास्ते में रुकी थी, क्या हुआ था, ट्राइंगुलर लव स्टोरी के बारे में भी बताया था, सारी चीजें मैंने बताई थी। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुल्तान यानी शासक रहे, रूलर रहे, कौन थे? तो गयासुद्दीन बलबन। क्या? बलबन, इसके नाम से यानी इसके जो नाम से हम जानते हैं, किस नाम से? बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन है वैसे ये, लेकिन बलबन के नाम से जानते हैं, किसके? बलबन के। अच्छा, ये जो है इसका असली नाम क्या था? बहाउद्दीन था। अब ये बलवंत सुल्तान कैसे बना? तो रजिया सुल्तान से लेकर बलवंत तक जितनी भी जो क्रिटिकल कंडीशंस बनी और जितने भी सिचुएशंस बनते गए वो कैसे बने और कौन सी सिचुएशन बनी जब बलवंत सुल्तान बना, तो ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, रजिया जो सुल्तान थी उसके टाइम में, उसके जो उसका रूल पीरियड था, जो पीरियड ऑफ रूल था यानी जो उसकी सल्तनत का वक्त था, उसमें ये अमीरे शिकार की हैसियत से होता था। यानी कौन सा डिपार्टमेंट था? शिकार। और अमीरे शिकार के डिपार्टमेंट का ये हेड होता था। क्या कहते थे? अमीरे शिकार। अमीर मतलब हेड, तो याद रखना, ठीक है? तो ये जो किस विभाग का? अमीरे शिकार विभाग का ये हेड मतलब शिकार विभाग का हेड है तो अमीरे शिकार है, बस इतना याद रखेंगे। लेकिन रजिया सुल्तान के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, आपको पता है पर्दा प्रथा को त्याग दिया था रजिया सुल्तान ने, पहली महिला मुस्लिम रूलर थी, ये भी पता है, और आज तक की डेट में पहली महिला मुस्लिम रूलर ही है, याद रखना, अभी तक इंडिया में देखें, अपने भारत में। तो ठीक, तो रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह को शासक बनाया गया। इसका भाई था रजिया का, बहराम शाह। क्या नाम था? बहराम शाह। बहराम शाह 1240 में बना था वैसे ये शासक। और बहराम शाह ने क्या करा कि बलवन को बना दिया था, जो क्या कहेंगे उसको, अश्वशाला, हिंदी में अश्वशाला का अधिकारी बना दिया था। यानी जो घोड़ों डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्स होगा ना, जो हॉर्स डिपार्टमेंट था, घुड़सवारी का जो डिपार्टमेंट था, तो उस डिपार्टमेंट को ये संभाल रहा था, अश्वशाला का प्रमुख बना दिया। किसको? बलवन को। अच्छा, बहराम शाह ने, तो ये बात हो गई। इसके बाद इसने एक और काम करा था इम्पोर्टेंट, ये भी काम था कि नाइबे मुमलिकात, नाइबे मुमलिकात का
मुमलिकात की शुरुआत की थी। किसकी? नाइबे मुमलिकात। नाइबे मुमलिकात का काम क्या होता था? तो नाइबे मुमलिकात का काम ये होता था कि बाकी जो भी एक्सटर्नल जैसे आज के काम होते हैं वो उनको देखता था, ठीक है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करना। तो नाइबे मुमलिकात, ये इसने इसका क्या किया, इसका इस पद की जो शुरुआत की थी वो इसी ने की थी, बहराम शाह ने, नाइबे मुमलिकात। इसके बाद देखिए, अलाउद्दीन मसूद शासक बना था। कौन बना था? अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद शाह, क्या? अलाउद्दीन मसूद शाह, बहराम शाह के बाद, ठीक है, याद रखना। अब जब ये अलाउद्दीन मसूद शाह बना तो इसका भी एक टाइम ऐसे ही चला, चलता रहा। उसके बाद एक शासन, एक सुल्तान का और शासन आया, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। इसने क्या करा, यहाँ से बलवन की शुरुआत ऐसे हुई, नासिरुद्दीन महमूद का जो 1246, 1246 में, 1246 से 1265 तक इसने जो है राज किया था, और 1266 से 1286 तक किसने किया? बलवन ने किया था, याद रखना। तो ये, और 1240 से 46 के बीच में ये दोनों, मतलब 45, 1240 से 45, 5 साल में इन लोगों, बहराम शाह और ये अलाउद्दीन शाह मसूद, या अलाउद्दीन मसूद शाह भी कहते हैं इसको, तो ये दोनों बदले। तो इन लोगों में कोई इतनी काबिलियत नहीं थी, बस जो बहराम शाह का काम था वो मैंने आपको बताया था। खैर, अब जब नासिरुद्दीन महमूद बना 1246 में शासक, तो इसने क्या करा कि अपने जो सल्तनत में बलवन का और पावर बढ़ा दिया। बलवन को इसने उलूब खां की उपाधि दी, उलूब खां। तो उलूब खां की, पूछा जाता है क्वेश्चन, नोट है ये, बता रही हूँ कि उलूब खां की उपाधि किसको मिली है, तो बलवन को, याद रखना, बलवन को, क्योंकि इसे अपना सेनापति बना दिया था। यानी इसने अपना जो फौज का कैप्टन था, कमांडर फौज का, इसने फौज की ताकत को बढ़ाया, और फौज का जो कमांडर कमांडर किसको बना दिया, यानी सेनापति किसको बना दिया, बलवन को। और किसकी उपाधि थी? उलूब खां की। किसने दिए ये? नासिरुद्दीन महमूद ने। किसको? बलवन को। तो बलवन का अच्छा खासा जो रसूख था, जो इसकी पावर थी, बढ़ गई। वही सल्तनत, मतलब दरबार, राज दरबार में बढ़ गई पावर इसकी, नासिरुद्दीन महमूद की। तो इसने क्या करा कि अभी सेनापति भी बन गया, उलूग खां की उपाधि मिल गई, अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत, योग्यता के दम पर इसने, बलवन ने अपनी जगह बना ली नासिरुद्दीन महमूद के पीरियड में। अब बलवन क्या करता है, अपनी बेटी की शादी कर दी इसने नासिरुद्दीन महमूद से। कौन से सुल्तान से? नासिरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी की शादी कर दी, और अब जुड़ गई रिश्तेदारी, रिश्तेदारी भी जुड़ गई। तो क्या क्या काम हुए? एक तो सेनापति, उलूग खां की उपाधि मिली, ऊपर से अपनी बेटी की शादी कर दी नासिरुद्दीन महमूद से, तो अब रिश्तेदारी, तो जो दरबार था, राज दरबार, वहां पर उसका जो पावर था, जो रेपुटेशन था, बहुत ज्यादा इसने अपनी एबिलिटी के बेस पर बहुत ज्यादा बिल्डअप कर लिया था, बहुत ज्यादा बना ली थी। अब एक दिन मौका पाके बलवन ने लगा दिया, क्या कर दी? हत्या। किसकी? नासिरुद्दीन महमूद की। तो नोट कि नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान जो था, नासिरुद्दीन महमूद, उसका हत्यारा कौन बना? बलवन। हत्यारा कौन बना? बलवन बना। और बलवन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहा है, क्योंकि इसको, इससे क्वेश्चन बनते हैं, हमें इसका मतलब नहीं है इम्पॉर्टेंट है कम इम्पॉर्टेंट है, हमें उस बात से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही वो पीरियड में मैं थी ना आप थे, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। हमें पता है हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लिए क्या पढ़ना है, बस इतना पता है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बस, ठीक है, तो याद रखना। अब इसने हत्या कर दी नासिरुद्दीन महमूद की, अपनी बेटी के, मतलब शोहर, यानी अपने दामाद की हत्या कर दी, और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया बलवन ने। इसका असली नाम क्या बताया मैंने? नोट, पॉइंट नोट कीजिए, बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसका असली नाम था, उलूग खां की उपाधि मिली। ये तमाम बातें से
याद रखिएगा, यानी 1266 में इसने अपनी जो है अपना रूल, अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत का काल इसका शुरू हो गया। सबसे पहले तो इसने क्या किया, हाँ सबसे पहले तो इसने ये किया था कि जो चालीसा बनाया था अल्तुतमिश के पीरियड में, जो बना था चालीसा, याद है तुर्की चहलगान चालीसा जो बताया था, तो चालीसा को खत्म किया इसने। क्योंकि वो क्या था, वो जो बलबन का पीरियड था उसमें जो ये जो सुल्तान था ये अपनी चलाता था और वो इंटरफेरेंस करते थे, चालीसा, और चालीसा को खत्म किसने किया, बलबन ने, ताकि मतलब राजा जो है सुल्तान जो है स्वतंत्र अपना शासन चलाए, यानी सल्तनत अपनी ये करे, आजाद आजाद तौर पे करे, कोई इंटरफेयर ना करे। इसने क्या किया कि कोई उसने क्या चालीसा क्यों बनाया था इल्तुतमिश ने, कैबिनेट की हैसियत थी, बताया था ना आपको, बिल्कुल कैबिनेट वाला, जैसे अभी कैबिनेट होती है ऐसे उसने चालीसा बनाया था। तो इसने जो तुर्क चालीसा था उसको खत्म कर दिया फौरन से इसने बनते ही सुल्तान। अच्छा ये और बता दूं, जो भी बताया था नाइबे मुमलिकात, वो इसीलिए बनाया था, ये जो बहराम शाह ने बनाया था, क्यों बनाया था नाइबे मुमलिकात, ये चालीसा जो मतलब इस बना हुआ था इल्तुतमिश के पीरियड से, तो उसी में उसी के जो उनके मामलात थे उन मामलात को देखने, वो कितना इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करें, सही है गलत है, मतलब सल्तनत के अलावा ये एक्सटर्नल जो इतना भी राइट्स थे वो इसी अधिकारी के पास, इसी ऑफिसर के पास होते थे, नायबे मुमलिकात, ठीक है याद रखना, बहराम शाह के पीरियड में बना था। अब इसने इसी चालीसा को खत्म किया। अच्छा बहुत कठोर रूप से इसने अपना मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्म में अपना इसने जो सल्तनत का जो पीरियड है यानी अपना शासन काल उसे चलाया। राज दरबार को ईरानी ढंग से सजाया, पहली तो बात यह है, राज दरबार को इसने क्या किया, ईरानी ढंग से सजाया। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कीजिए एक और, कि इसने ईरानी त्योहार नौरूज की शुरुआत की। कल भी आपको परसों भी करंट अफेयर में बताया था कि नौरूज फेस्टिवल में हिस्सा लिया है हमारे भारत के लोगों ने लिया ना, अपनी सरकार ने, तो कहाँ चाइना में इसका आयोजन हुआ था, बताया था ना आपको। तो ये जो है नौरूज ये एक ईरानी नववर्ष है, और इसी की इसने जो प्रथा, नौरूज की जो प्रथा डाली वो इसी ने डाली थी, किसने, बलवन ने। तो नौरूज त्योहार की फेस्टिवल महोत्सव की शुरुआत करने वाला कौन था, बलवन था। तीसरी चीज ये कि ये अपने आप को इसने राजत्व के सिद्धांत का विस्तार किया, राजत्व का सिद्धांत का विस्तार, यानी ये इसने राज वंशशाही को ज्यादा पावर दी। इसने क्या कहा, इसने कहा कि सुल्तान जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, सुल्तान कौन होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, यानी कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधि मतलब एजेंट, एजेंट ऑफ गॉड, गॉड एजेंट, मतलब इसने सुल्तान की हैसियत क्या बनाई, बताई कि सुल्तान जो होता है वो जमीन पर गॉड एजेंट होता है, यानी एजेंट ऑफ गॉड होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी खुदा का नुमाइंदा होता है, कौन होता है, खुदा का नुमाइंदा, ये इसने मतलब सुल्तान की हैसियत डिक्लेयर की इसने, बलवन ने। अभी चा बहुत सारी बातें बता दी मैंने आपको। इसके इसने क्या करा, जो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद, उसमें शिलालेख बनवाए और उन शिलालेखों में खुद को खलीफा का सहायक घोषित किया। ये पूछा जाता है किस मस्जिद में किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा का सहायक, खलीफा एक ऐसा पद होता है, देखिए मैं बताती हूँ, जैसे आप सुनते होंगे ना बस स्वामी जी वगैरह होते हैं, और मतलब कोई ना कोई हिंदू सनातन धर्म से भी कोई ना कोई हेड होते हैं, तो इस तरीके से जो पूरा संत समाज के मतलब अभी भी कोई ना कोई हेड होंगे जो ज्यादातर बातों का जवाब देंगे, आपने न्यूज में देखा होगा, तो उसी तरीके से, तो मतलब संत सूफी ये सब रिलीजियस ही पद होते हैं, इसी तरह एक पद होता है खलीफा, मतलब वो भी एक सुल्तान की तरह होता है, ये रिलीजियस पद है खलीफा। तो ये क्या करता है कि ये भी अपनी मतलब इंसाफ के साथ हुकूमत चलाता है, कि जस्टिस भी हो लोगों के साथ और हुकूमत भी चले, ये काम करता है, ठीक है खलीफा।
तो इसने क्या करा, बलवन ने खुद को हेल्पर बता दिया कि मैं सहायक हूँ इसका, खलीफा का सहायक, खलीफा कहीं के भी खलीफा का सहायक बता दिया, है ना, जो भी है। तो मतलब कहीं किसी खलीफा को मानता होगा वो, अभी ईरानी ढंग से उन्हें राज दरबार तो सजाया, मुझे क्या पता कि ईरान के मानता था या किसका। बहरहाल ये लिखा हुआ है शिलालेखों में गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में कि मतलब इसने खुद को खलीफा का सहायक घोषित किया, और यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, अब याद रखना, अब इस देखिए, इसके दरबार में हंसने एवं जोर जोर से हंसने एवं तेज बोलने पर पाबंदी थी। इसके दरबार में, बलवन के दरबार में क्या था, हंसने एवं जोर जोर से हंसने और तेज बोलने पर पाबंदी थी, बिना बात हंसने पे पाबंदी थी, यानी कि इसने बहुत खौफ पैदा कर दिया अपने राज दरबार में, अपने जो इसका जो डायनेस्टी पीरियड है ना, दिल्ली सल्तनत का ही तो ये गुलाम वंश का ही तो सुल्तान है, तो इसने अपने पीरियड में क्या कहा, एक किया, एक हॉरर, एक हॉरर नहीं वो अलग चीज जाती है, एक फियर पैदा कर दिया लोगों के अंदर, के जोर जोर से हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जोर जोर से बेबात नहीं हंस सकते, ये ऐसा माहौल इसने राज दरबार का बना दिया। ये शांत रहता था, शांत, बहुत शांत रहता था, मतलब शांत का मतलब बिल्कुल संजीदा, ना हंसना ना बोलना, बिल्कुल खड़ूस टाइप मैं तो यही कहूंगी ना, तो इस टाइप से रहता था। अच्छा, बलवन की ये सारे पॉइंट नोट्स कर रहे हैं ना आप, बिल्कुल नोट कर रहे हैं कि एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ सारे पॉइंट्स को। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि इसने क्या किया, इसने सजदा एवं पाबोस की प्रथा को लागू किया। सजदा एवं पाबोस, सजदा एवं पैबोस। अब सजदा क्या होता है, सजदा होता है कि जो घुटनों के बल पर, मतलब घुटनों के बल पे झुकेंगे और घुटनों के बल पे झुक के सुल्तान के आगे सर झुकाएंगे, वो सजदा। और पैबोस होता था कि जो पैर सुल्तान के पैरों को झुक के चूमेंगे, मतलब चरणों का जो चुंबन करेंगे, जो चूमेंगे, किस करेंगे चरणों को, चरणों, चरण पैरों को जो चूमेंगे, मतलब पैरों को बोसा देंगे, वो क्या पैबोस कहलाता है। पैबोस, पैसे याद रखिएगा, पैरों से पैबोस। और सजदा क्या कि घुटनों के बल, मतलब घुटनों के बल जाएंगे और सुल्तान के आगे सर झुकाएंगे। तो सजदा और पैबोस, ये दो प्रथाएं किसने शुरू की थी, ये बलवन ने ही शुरू की थी, सजदा और पैबोस, ये याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, अब बलवन के बाद क्या होता है, इसकी 80 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी। हाँ, एक और पॉइंट बताती हूँ, पहले सुनिए, 80 इयर्स की एज में इसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि इसकी मृत्यु हुई थी 1287 में, 1287 में, 1287 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई। और ये इसने काम ये भी करा था कि इसने अपनी सेना को, इतनी पावरफुल सेना बनाया था, दिल्ली को पूरे मंगोलों के आक्रमण, यानी अपने पूरे दिल्ली, दिल्ली में इसकी वो थी राजधानी थी, तो दिल्ली को पूरे, यानी फुल दिल्ली को किसके, मंगोलों के आक्रमण से बचाया था, हिफाजत की थी मंगोलों के आक्रमण से पूरे दिल्ली की, ये भी याद रखना, ये भी एक इसका पॉइंट है। तो ये हारा नहीं था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक लास्ट गुलाम वंश का शासक बचता है, इसका नाम है कैकोवाद, ऐसे याद रखना, कैकोवाद। लेकिन ये अयोग्य टाइप शासक था, क्या था, अयोग्य टाइप, बिल्कुल मतलब काबिलियत नहीं थी इसके अंदर। और इसी ने क्या किया था, इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिससे खिलजी वंश की स्थापना पड़ेगी, जी हाँ, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आएगी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया था। ये वही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है जो अलाउद्दीन खिलजी से पहले, यानी जिनके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना होगी, इसने सेनापति उन्हें उसे बना दिया जलालुद्दीन खिलजी को। और इसने क्या किया, इसको लकवा मार गया था, तो अपने 3 साल के बेटे ऐमरश को
आमर्श को बना दिया सुल्तान, और जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी उसकी हत्या, और इस तरह पड़ी खिलजी वंश की बुनियाद, यानी नींव पड़ी। तो ये कैकोवाद थोड़ा अयोग्य टाइप शासक था, और ये शासन कर भी नहीं पाया। 1287 से लेके 90 तक ये सब चला, और 90 में फिर ये खिलजी वंश की स्थापना हो गई। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको? अब हम आगे पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। आई होप सो कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, कोई वीडियो मिस मत किया करें, कंप्लीट और ध्यान से सुना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।